नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में अगर अब दाखिल खारिज का मामला लंबित रहा तो संबंधित अधिकारी मुसीबत में फंस जाएंगे। बिहार के अब किस अधिकारी के स्तर पर कितने मामले लंबित हैं, इसकी जानकारी संबंधित जिले के डीएम को हर हफ्ते मिलेगी। साथ ही मुख्यालय से विभाग के अधिकारी भी इसकी मॉनिटरिंग कर सकेंगे। सबसे अधिक और सबसे कम मामलों का निष्पादन करने वाले अधिकारियों की सूचना भी डीएम के पास रहेगी। इसी आधार पर कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा तो वहीं दंड का भी प्रावधान रहेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसकी पूरी व्यवस्था के लिए पॉइंट और डिले नोटिफिकेशन नाम का एक वेब एप्लीकेशन बनाया है। इस पर सूचनाएं मिलनी शुरू भी हो गई हैं। विभाग को इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि मामलों को जानबूझकर लटका कर रखा जाता है, साथ ही इसमें भ्रष्टाचार की भी शिकायत मिल रही थी। इसको देखते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। आपको बता दें कि दाखिल खारिज की मौजूदा ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रत्येक कर्मी की जिम्मेदारी पहले से ही तय है। उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य की समय सीमा भी तय की गई है, लेकिन देर होने पर सूचना देने का प्रावधान नहीं था। नई व्यवस्था में अगर कोई कर्मचारी तय समय से अधिक समय तक कोई आवेदन अपने पास रोक कर रखता है तो उसकी जानकारी उसके अंचलाधिकारी को प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह अंचलाधिकारी अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर दाखिल खारिज के आवेदनों को निपटारा नहीं करते हैं तो संबंधित जिला पदाधिकारी को इस बात की जानकारी मिल जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाने के लिए इस एप्लीकेशन का निर्माण करवाया है। उनका कहना है कि ऐसा देखा जा रहा है कि दाखिल खारिज के मामले निष्पादित तो हो रहे थे किंतु तय समय सीमा के भीतर नहीं हो पा रहे थे। नया एप्लीकेशन बनने के बाद अब यह पता करना बहुत ही आसान हो जाएगा कि किस खास अंचल में लंबित आवेदनों में कितने आवेदन किसके पास लंबित हैं। म्यूटेशन के 47 लाख में से 10 लाख आवेदन लंबित हैं। आपको बता दें कि राज्य में दाखिल खारिज अब सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही की जा रही है। अब तक प्राप्त दाखिल खारिज के कुल 47,50,000 मामलों में से 10,37,611 लंबित हैं। मौजूदा समय में ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए निर्धारित समय सीमा 35 दिन है, जबकि अगर किसी आवेदन पर आपत्ति पड़ जाती है तो उसे 75 दिनों में निष्पादित करना होता है। वेब ऐप से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार तक सबसे अधिक मामलों को लटका कर रखने वाला अंचल सीतामढ़ी जिले का परिहार है। वहां कुल 6,601 आवेदन समय बीतने के बाद भी लंबित हैं। उसी जिले के डुमरा अंचल में लंबित मामलों की संख्या 2,179 है। कर्मचारियों की बात करें तो मधेपुरा के सदर अंचल के कर्मचारी ललन कुमार ठाकुर, हल्का तुलसीबारी राजपुर मलिया, उनके पास लंबित आवेदनों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। उनके पास 1,609 मामले लंबित हैं। मधुबनी के खजौली अंचल एवं रोहतास के संझौली अंचल में समय सीमा बीतने के बाद भी लंबित पड़े आवेदनों की संख्या क्रमशः मात्र 2 और 8 है। इसकी सूचना सभी डीएम को दी जा चुकी है। बताते चले कि बिहार में जमीन संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में भूमि विवाद एक बहुत बड़ी समस्या है और ज्यादातर आपराधिक घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं भूमि विवाद का बहुत बड़ा किरदार होता है। यही कारण है कि सरकार के द्वारा भूमि विवाद को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।